बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वियन की रोशनी में मादरे वतन को अम तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाने के पुख्ता आजम की तजदीद और जमहूरी तसलसल का अहम संगे बुनियाद अबूर करते हुए 71वां यौम आजादी आज कौमी और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कौम को यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान का 71वां जश्न आजादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गली मोहल्ले और सड़कों पर सब सिलाली परचमों और झंडियों की बहार आ गई। हर कोई मिली जोश जज्बे से सरशार। मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। रहीम जार खान में जश्न आजादी की मुनासबत से लाहौर ग्रामर स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम। तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंसेस। चारों सूबों के कल्चर की अक्कासी करते स्टॉल शुरा की तवज्जो का मरकज। बहावरपुर में कमिश्नर नैयर इकबाल की तरफ से शहरियों को जश्न आजादी की मुबारकबाद। कहते हैं किसी ओहदे पर रहूं या ना रहूं, दिल पाकिस्तान के नाम पर धड़कता है। कमिश्नर नैयर इकबाल की रोही से खसूसी गुफ्तगू। राजनपुर में जश्न आजादी के हवाले से केक काटने की तकरीब का अहतमाम। डिप्टी कमिश्नर अल्लाह दत्ता वड़ाइस ने आजादी केक काटा। एमएसडीएच के हॉस्पिटल डॉक्टर मोहब्बत अली समेत दिग्गज सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मियांवाली में तहरीके लब्बैक की जानिब से जश्न आजादी रैली का इनेकाद। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलशगाफ नारे। 14 अगस्त के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कैसर सलीम की हिदायत पर दरियाए चनाब और हेडतोनसा पर रेस्क्यू अहलकार तायुनात। हदायत के मुताबिक किसी को भी दरिया में नहाने की इजाजत नहीं होगी। डीसीओ कहते हैं वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जश्न आजादी मुहिम। एसपी चौक हाईकोर्ट चौक पर शहरियों में तहाइफ और कौमी परचम तकसीम किए। गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाए। छोटे बच्चों ने कौमी परचम की फेस पेंटिंग भी करवाई। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हाईकोर्ट चौक और एसपी चौक पर पौधे भी लगाए। बड़ी ईद पर पाकिस्तान रेलवे का बड़ा ऐलान। बुजुर्ग शहरी ईद के पहले और दूसरे रोज ट्रेनों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। सफर करने वालों को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुसाफिरों को ईद के पहले और दूसरे दिन किरायों में 25% की खसूसी रायत होगी। खसूसी रायत तमाम ट्रेनों के तमाम क्लासेस पर दस्तयाब होगी। और चिश्तिया में बरेसगीर पाको हिंद की मारूफ रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 234वें उर्स का दूसरा रोज अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।